दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग लगभग आ चुके हैं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल। विजय जी, जो नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद तो शायद आपको नहीं रही होगी कभी। नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसी नतीजों की उम्मीद नहीं थी, और सच पूछिए तो कल्पना से बाहर के नतीजे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको अब समीक्षा करने की ज़रूरत है कि कौन से निर्णय गलत हुए हैं, किन चीज़ों को हमको सुधारना है और फिर आगे बढ़ना है। तो मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देता हूँ, पर हमारे हौसले कम नहीं हैं, काम करने के अंदर हमारी क्षमताओं में कोई कमी नहीं आएगी। जब किरण बेदी को लाए थे तब बीजेपी के अंदर से एक सेक्शन की आवाज़ उठी थी कि ये गलत किया है, पार्टी के बाहर के आउटसाइडर को लाके मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, उसका नुकसान हो सकता है। विजय गोयल, मेरे को याद है आपने ट्वीट भी किया था और मीडिया से बात करते हुए कहा था कि किरण बेदी के नेतृत्व में हमें 45 सीटें मिलेंगी, पहले 35 मिल रही थी अब 45 मिलेंगी, फायदे की जगह नुकसान हो गया, ये कैसी किरण बेदी को ले आए आप? विजय गोयल पार्टी के हर निर्णय के साथ है और हर निर्णय के अंदर निर्णय के साथ, लेकिन फायदा और नुकसान बताता हूँ। आप फायदे की बात कर रहे थे, नुकसान विजय गोयल पार्टी के हर निर्णय के साथ है जी, और हर निर्णय में सब लोग उससे सहमत हो ये आवश्यक नहीं होता जी। उस समय उन परिस्थितियों में पार्टी को ठीक लगा कि किरण बेदी जी को लाकर एक और जुड़ाव हमारा होगा वोट बैंक का, और मैं समझता हूँ जो जो भी पार्टी ने निर्णय किए उनकी हम समीक्षा कर सकते हैं कि कौन सा निर्णय ठीक रहा और कौन सा नहीं ठीक रहा। जाहिर है पार्टी के भीतर एक हलचल भी होगी कि मंथन होगा तो कुछ पटरी पर आएंगे, पटरी पर आएंगे तो बात सुनी जाएगी, बात सुनी जाएगी तो शायद कैडर दोबारा सक्रिय हो, क्योंकि पिछले 16 बरस से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं है, 5 बरस और जोड़ दीजिए तो 21 बरस। कोई भी बीजेपी का कैडर का लड़का होगा उसकी उम्र कहाँ पहुँच जाएगी, नेता होगा वो मार्गदर्शक मंडल में जाने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा, ये सारी स्थितियाँ। और आने वाले वक्त में बिहार एसिड टेस्ट है, वहाँ भी लंबे समय से बीजेपी सत्ता में रही है तो वो कहीं नीतीश की छाव में रही, उसके अलावा अपने बूते नहीं, क्या वहाँ पर नए तरीके से सोचा जाएगा?